हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आज के ब्लॉग में भी एक नया रिक्वायरमेंट आया है, आज उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कौन सा रिक्वायरमेंट क्या है, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं जॉब के लिए, कौन लोग नहीं अप्लाई कर सकते हैं जॉब के लिए, कौन सी पोजीशन के लिए वैकेंसी निकला है, कौन सी कंट्री के लिए निकला है, सब कुछ आज इस ब्लॉग में डिस्कस करने वाला हूँ। ब्लॉग एंड तक देखे आपको समझ में आ जाएगा पर्टिकुलर एज आप कैसे अप्लाई करना है क्या है बोल के। ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले आप सभी से स्मॉल रिक्वेस्ट है, जो कोई मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट करें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन। आप बेल आइकन प्रेस करके आल कर प्रेस कीजिए, जो मेरे चैनल से नया वीडियो देगा आपको नोटिफिकेशन मिलता जाएगा भी फ्यूचर में और आगे। दोस्तों आज का रिक्वायरमेंट निकल गया है फाइव स्टार होटल में सऊदी अरेबिया में, बहुत बड़ी फाइव स्टार होटल है सऊदी अरेबिया में, इसका वैकेंसी निकल गया। इसमें तीन पोजीशन के लिए वैकेंसी निकला है, एक एक करके बताया कौन सा है क्या है पोजीशन। फर्स्ट पोजीशन आता है हाउसकीपिंग सुपरवाइजर, नेक्स्ट आता है हाउसकीपिंग अटेंडेंट एंड थर्ड पोजीशन आता है रूम अटेंडेंट। इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ से बताएगा एक एक करके। फर्स्ट पोजीशन आता है हाउसकीपिंग अटेंडेंट। हाउसकीपिंग अटेंडेंट का ये काम रहता है जो भी आपको फाइव स्टार होटल में लार्ज रहता रूम रहता उसको आप नीट से बराबर से मेंटेन करना, जैसे कि क्लीन एंड हाइजीनिक सेफ्टी मेंटेन करना, उसको आके टॉयलेट साफ़ करना, बेडशीट चेंज करना, बेड नीट करना, ये सब कुछ रहता हाउसकीपिंग में। आपको और जानकारी जानने वाले तो हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट में आप जाके गूगल कर सकते हैं कि व्हाट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जॉब रोल ऑफ हाउसकीपिंग अटेंडेंट के बारे में, तो आपको पूरा प्रोफाइल आ जाएगा, आप जाके रीड आउट कर सकते हैं, बहुत सारे वीडियोज़ भी मिल जाएंगे यूट्यूब पर जाके आप देख के रेफर कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट पोजीशन आता है रूम अटेंडर। हाँ दोस्तों, रूम अटेंडर और हाउसकीपिंग अटेंडर दोनों सेम से समझते बहुत लोग, लेकिन बहुत डिफरेंसेस है। हाउसकीपिंग अटेंडर का काम ये रहता है जो भी लार्ज में जैसे कि बेडशीट चेंज करना, टॉयलेट ये वो रहता काम। रूम अटेंडर का काम ये रहता है जो भी रूम अटेंडर में गेस्ट रहते, जो भी आपको ऑर्डर करते बेवरेजेस एंड कोल्ड ड्रिंक्स, नहीं तो जो भी फूड आइटम्स में, तो जो भी आपको कुछ मंगवाना है, नहीं तो कुछ भी आपसे काम करवाना है, तो बेल प्रेस करके आपको बुलाते, आप आके रूम सर्विस देना पड़ता है। ये काम रहता है आपका रूम अटेंडर का और हाउसकीपिंग सर्विसेज का। हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट के यही काम है कि जो भी आपको रूम दिया जाएगा उससे क्लीन से नीट से और सब कुछ मेंटेन करके रखना। और रूम अटेंडर का काम रहता है कि गेस्ट बुलाते आपको जाके खाना ले आना, नहीं तो कुछ बाहर का काम है, कुछ उनको ज़रूरत पड़ेगी कुछ लेके आना, ये काम रहता है रूम अटेंडर का। और हाउसकीपिंग सुपरवाइजर का काम ये रहता है कि जो हाउसकीपिंग सुपरवाइजर रहता है ना उसके नीचे हाउसकीपिंग अटेंडर रहते हैं, 10 लोग 15 लोग, उसको मेंटेन करना, एक फ्लोर दिया जाएगा, फ्लोर में कितने रूम रहते हैं उसको क्लीन से मेंटेन करना, हाइजीनिक मेंटेन करना, जैसे कि गेस्ट आने से पहले रूम को सेटरेट करना, बेड नीट से रखना, और सब कुछ आपको करवाना है। आपको सिर्फ सुपरवाइजिंग करना है, कुछ भी काम करना नहीं है ज़्यादा आपको हाउसकीपिंग का काम, उसका काम तो करना नहीं है। आपको नॉलेज वगैरह बहुत ज़रूरत है, कौन सा केमिकल किसके लिए यूज़ करते हैं, कौन सा केमिकल टेल्स के लिए यूज़ करते हैं, कौन सा केमिकल वाशरूम के लिए यूज़ करते हैं, कौन सा केमिकल आपको फ्लोर के लिए यूज़ करते हैं, ये सब कुछ आपको नॉलेज रहना बहुत ज़रूरत है हाउसकीपिंग सुपरवाइजर में, तभी अप्लाई कर सकते हैं जब के। और इसकी सैलरी रेंज बताओ, इसकी सैलरी रेंज ये लोगों ने बताया कि निगोशियबल, आप जाने के बाद इंटरव्यू पता चलेगा कितना है क्या है सैलरी बोल के, लेकिन एक्सपेक्टेशन बराबर से इसकी सैलरी रहेगी 30,000 to 50,000 इस दरमियान आपकी सैलरी स्टार्टिंग रेंज रहेगी, बेसिक सैलरी। उसके बाद डिपेंड्स आपको ओटी रहेगा, टारगेट रहेगा, वो सब कुछ आते रहेंगे। और ये कंपनी ने एडिशनली क्या क्या बेनिफिट दे रहे होते हैं, एडिशनली आपको फूड दे रही है, अकोमोडेशन दे रही है, ट्रांसपोर्ट दे रही है, मेडिकल दे रही है, और यूनिफॉर्म भी आपको कंपनी प्रोवाइड कर रही है। 9 आवर्स ड्यूटी रहेगी उसमें, 1 आवर ब्रेक रहेगा, डेली 2 आवर्स ओटी रहेगी, तो चाहे तो कर सकते हो, नहीं तो स्किप कर सकते हो। ओटी करेंगे तो आपको सैलरी दिया जाएगा, नहीं तो जितना ही सैलरी उतना आएगा। बहुत अच्छी कंसल्टेंसी, बहुत जेन्युइन कंसल्टेंसी, ट्रस्टेबल कंसल्टेंसी, आप बन करके भरोसा कर सकते हैं इस कंसल्टेंसी के ऊपर, नॉट एट ऑल इश्यू। आप जाके आराम से अपना CV जमा कीजिए, इसकी डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए वो बता दें, डॉक्यूमेंट चाहिए अपडेटेड CV, वाइट बैकग्राउंड फोटोग्राफ, पासपोर्ट कॉपी, प्रिंटेड बैक, एक्सपीरियंस लेटर तो अच्छा है, नहीं तो फ्रेशर्स कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि हाउसकीपिंग सुपरवाइजर के लिए मिनिमम 1 ईयर चाहिए, और रूम अटेंडर और जो भी हाउसकीपिंग अटेंडर है उसके लिए भी 6 months to 1 year एक्सपीरियंस मांगा है। लेकिन फ्रेशर्स कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, दोनों जॉब में चांसेस है सेलेक्ट होने के, लेकिन बोल नहीं सकते। ये लोगों ने एक्सपीरियंस कैंडिडेट मांगा है 6 months to 1 year, और गल्फ का एक्सपीरियंस तो मोस्ट वेलकम, फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाएगा उन लोगों को। और बहुत अच्छी कंसल्टेंसी, बहुत अच्छा रिक्वायरमेंट है फाइव स्टार होटल में, आपको टिप्स भी अलाउड है इसमें, फूड भी कंपनी जो सब कुछ आपको कंपनी प्रोवाइड करे, नॉट एट ऑल इश्यू। जो भी हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट में जाना जाता है और रूम अटेंडेंट के लिए जाना जाता है,
वो लोग मोस्ट वेलकम इंडिया का एक्सपीरियंस जब चलेगा मिनिमम 6 मंथ्स 1 ईयर, उसके लिए 10-5 ईयर तक चलेगा। जो हाउस कीपिंग सुपरवाइजर को जाना जाता है उसके लिए प्लस 2-1 चाहिए और तो नॉलेज तो कन्फर्म टू कन्फर्म चाहिए हाउस कीपिंग सुपरवाइजर का, और 1 ईयर का एक्सपीरियंस डेफिनेटली चाहिए चाहिए वो जॉब अप्लाई करने के लिए। और पूरे डॉक्यूमेंट्स मैंने जो बता रहा हूँ वो पूरे स्कैन कॉपी चाहिए, फोटोग्राफ कॉपी भी चाहिए, पूरे स्कैन कॉपी नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल के मैंने उसको फॉरवर्ड किया, साथ ही कंसल्टेंसी का फ़ोन नंबर और कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल के जाके चेकआउट कर सकते हैं। और ये पेड कंसल्टेंसी कितना है क्या है सर्विस, आप कॉल नंबर नीचे देखे हैं डिस्क्रिप्शन में जाकर फ़ोन करके पूछ सकते हैं कितना है क्या है सर्विस, वो आपको खुद के बता देंगे सर्विस कितना है क्या है। ठीक है दोस्तों, आज के ब्लॉग में इतना है, ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, ना अच्छा लगा डिसलाइक कीजिए, कमेंट करना मत भूलिए, बहुत जल्दी रिप्लाई देने की कोशिश करेगा। और हर ब्लॉग में कहता रहता हूँ, इस ब्लॉग में कह रहा हूँ किसी भी एजेंट को किसी भी कंसल्टेंट को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, इसलिए जेन्यून वे जेन्यून तरीके और इंटरव्यू वे जाने वालों को प्रमोट कर रहा हूँ, किधर है इंटरव्यू क्या है या कौन सी पोजीशन है किधर इंटरव्यू चलता किधर है क्या, सब कुछ बना के मेरे ब्लॉग में डालता रहता हूँ जेन्यून से। तो इसी एजेंट को किसी भी कंसल्टेंट को प्रमोट नहीं कर रहा, बिफोर इंटरव्यू किसी एजेंट को किसी कंसल्टेंट से सिंगल रुपये और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मत दीजिए। आफ्टर इंटरव्यू आप सिलेक्शन होने के बाद एज ए श्योरिटी पासपोर्ट रख सकते हो 40 डेज के लिए, उसके अंदर या अंदर आपका काम हो जाएगा, आपका काम नहीं हो तो जाएगा 40 डेज के बाद, तो आप पासपोर्ट ले सकते हो विथ जेन्यून वे, कोई भी चार्जेस पे करने की जरूरत नहीं, जाके ले सकते हो, कोई भी लीगल एक्शन ले सकते हो आपको पासपोर्ट ले दिया तो। और इंटरव्यू प्रोसेस कैसा रहता होगा बताओ, इंटरव्यू प्रोसेस रहता है वंस आपका सी सिलेक्शन होता है, शॉर्ट लिस्ट होता है, इंटरव्यू हो जाता आपका, जो भी मेडिकल हो जाता है मेडिकल का सीधा फ्लाइट पकड़ना चल जाना, ये रहता है स्टेप बाई स्टेप प्रोसेस, वो कंसल्टेंसी कर लेंगे। आपका काम ये है कि नीट से बराबर से सीवी बना के डालो और इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर हो। ठीक है दोस्तों, और मेरा फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में देखे जाके चेकआउट कर सकते हैं। मेरा फेसबुक पेज रफुल्ला बादशाह और इंस्टाग्राम पेज रफुल्ला बादशाह आपको दोनों दिखाएंगे, सिंपल से फेसबुक और इंस्टाग्राम ओपन कीजिए, सर्च बार में जाइए, मेरे रिजल्ट टिप कीजिए रफुल्ला बादशाह, मेरा प्रोफाइल मिल जाएगा, क्लिक कीजिए फॉलो कीजिए, मोर अपडेट भी होता था आपके रिलेटेड दो कोई मैसेज पर्सनल से बातचीत करना तो मैसेज कीजिए, बहुत जल्दी आपको मैसेज कर रिप्लाई देने की कोशिश करेगा, नहीं तो मैं खुद कॉल करेगा। आज के ब्लॉग पे इतना ही, ख्याल रखें अपना भी इस चैनल का।